मैं निमराज शहाब और आप देख रहे हैं सरकार न्यूज। गुलाम मुर्तजा आरआई की रिपोर्ट के मुताबिक जामा बिलाल मस्जिद पुल बस स्टॉप दरिया खान मरी में आफ्ताब अहमद खान साहब की जर सदारत साजिद अली मुगल की मेजबानी में मरकजी मिलाद कमेटी साबरी फोर्स के इंतजाम के तहत मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम मुनक्कद की गई। कारी गुलाम मुज्तबा वैसी हाफिज इरफान सुल्तानी और मलिक मोहम्मद उस्मान सुल्तानी ने तलावत कलाम पाक का शर्फ हासिल किया, जिसके बाद सैयद मोहसिन इकबाल शाह शाहनवाज हुसैनी अहमद रजा हुसैनी हुसैन अहमद नक्शबंदी और कारी फरहान सुल्तानी ने नाते मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पेश की। महफिल मिलाद से कारी इम्तियाज हुसैन सईदी और अल्लामा दिलदार अली सिकंदरी ने खिताब करते हुए कहा कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की विलादत व सआदत की खुशियां हर साल मनाते हैं, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत का दुनिया को बनाने का मकसद ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजना था। उन्होंने मजीद कहा कि हमें अपनी जिंदगी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के बताए हुए रस्ते पर बसर करनी चाहिए और नमाज की अदायगी की पाबंदी करनी चाहिए। दोनों जहानों के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान है कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, इसीलिए हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलना होगा। महफिल मिलाद में तारिक पीरजादा साजिद हुसैन खास करी चौधरी मोहम्मद अमीन आरई कारी मोहम्मद अनवर कासमी इशफाक अहमद आरई और शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की।